नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से देश की आन बाण और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अपील की है। पीएम मोदी ने शुक्रवार देर शाम ट्वीट कर ये अपील की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के बाद सेल्फी लेने और उसे harghartiranga.com पर अपलोड करने की भी अपील की है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि राघव चड्ढा को परिषद की सेवा से तब तक निलंबित किया जाता है जब तक परिषद को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट नहीं मिल जाती। राघव चड्ढा के निलंबन का विपक्षी सांसदों ने विरोध किया है। लोकसभा में बीते गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये विपक्ष का अधिकार है, किसी बात को रखना वो रख रहे हैं, अब तो उनको परेशानी हो रही है, कई सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव एक बार फिर खटाई में पड़ गया। शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट का ये फैसला उस वक्त आया है जबकि आज वोटिंग होनी थी। उधर बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने 25 में से 20 राज्यों का समर्थन होने का दावा किया है। जातीय जनगणना के बाद अब धार्मिक जनगणना की मांग उठी है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने धर्म के आधार पर जनगणना कराए जाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। भाजपा सांसद पाठक ने मुस्लिमों को मिले अल्पसंख्यक के दर्जे पर सवाल उठाया है। यूपी के उन्नाव जिले में सुरेश नाई उर्फ सुरेश योद्धा की मौत हो गई है। उन्होंने 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने लुक को लेकर सुर्खियों में आए थे। सियासी गलियारों में उन्हें सीएम योगी का हमशक्ल कहा जाता था। विधानसभा चुनाव में सपा ने उन्हें प्रचारक की जिम्मेदारी भी दी थी। सनी देओल की फिल्म गदर 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इसका बोलबाला फैंस के बीच बखूबी देखा जा रहा है। इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक ये है। अनिल शर्मा ने इस फिल्म का निर्देशन संभाला है। खबर आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गदर 2 देखने की इच्छा जाहिर की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला फ्लोरिडा में आज खेला जाएगा। वेस्टइंडीज से सीरीज के अंतिम 2 T20 फ्लोरिडा में ही खेले जाएंगे। इससे पहले 3 T20 मैचों में वेस्टइंडीज ने अपनी जमीन पर 2-1 की बढ़त हासिल कर ली थी। अब चौथे मैच में टीम इंडिया सीरीज को बराबर करने के लिए उतरेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 6.50% पर ही बरकरार रखा है, लेकिन कुछ चुनिंदा बैंकों ने कर्ज पर ब्याज दरों में इजाफा किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। इससे घर और कार खरीदना महंगा हो जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग और राज्य प्रशासन ने पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बिना किसी जरूरी काम के बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।